संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा ने चंडीगढ़ के किसान भवन में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी रणनीति का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। वहीं किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी दिल्ली जाने और दूसरी प्रायोरिटी रामलीला मैदान है, उनकी कोई और मंशा नहीं है। सरकार हमें जहां भी रोकती है वे सरकार की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने आगे कहा कि उनका आंदोलन उतना ही देर तक चलता रहेगा जब तक सरकार उनके साथ किए वादे पूरे नहीं करती। ये उनकी डिमांड नहीं है, सरकार की तरफ से किए गए वादे हैं। उन्होंने आगे बताया कि 15 सितंबर को बहुत बड़ी महापंचायत जिनके पास होगी, वहीं इसके अलावा एक महापंचायत अंबाला के पास की जाएगी। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी योजना है। वहीं दूसरी कोशिश है कि हम पंजाब में पंचायत करें। ये बात देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको, सबसे पहले ये बात समझें कि हमारी कॉल दिल्ली जाने की थी। क्यों दिल्ली? हमारा कोई मानसिकता नहीं कि दिल्ली जाना है, लेकिन हमारी जितनी डिमांड्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के साथ रिलेटेड हैं। तो वहीं जाकर हमने प्रयास किया, पहले डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, पंजाब के गवर्नर के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से हमने मेमोरेंडम दिया, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। तो मजबूरन हमें कॉल दिल्ली की देनी पड़ी। वो जो हमारी दिल्ली की कॉल है वो एज इट इज जा रही है। हमारा प्रोग्राम है कि हम दिल्ली जाएंगे जब भी रास्ता खुलता है। तो हमारी ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम किसी तरह की कोई शांति भंग ना होने दें, वो हम भी प्रयास करेंगे और सरकार भी उसके साथ हमारे साथ सहयोग करेगी। एक अंबाला में भी कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं किसान, क्या क्या रीजन है वो? देखिए, वो भी एक हमारा नौजवान नवदीप लगभग 3 महीने से जेल में बंद है, और एक पे उनकी एक केस में उनकी जमानत होती है, दूसरे में उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ हमारा मतलब प्रोग्राम है कि हम अंबाला में जाकर 2 दिवसीय प्रोग्राम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उसको रिहा करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक बात है, जैसे ही हाईवे खुलेगा आप दिल्ली जाएंगे? देखिए, हमारे मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली जाना, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, हमारा दिल्ली जाना कोई मोटिव नहीं है। सरकार हमारी मांग मान ले तो हम दिल्ली क्यों जाएंगे? दिल्ली जाना कोई हमारे लिए बहुत आसान काम थोड़ी है, काम भी करना है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर मांगे भी नहीं मानी जाती और रास्ता खुलता है फिर तो हमारी जरूरत बनती है कि हम दिल्ली जाएं। फाइनली डल्लेवाल साहब, एक शुभकरण को लेकर आ रहा है कि शॉटगन वाली बात आ रही है। देखिए, बड़ी क्लियर बात है। पहली तो बात यह है कि मैं ये आपके माध्यम सब पूरे मीडिया को क्लियर कर दूं, कहीं पे भी फैसले में, ऑर्डर में हाईकोर्ट ने नहीं कहा कि किसानों की तरफ से गोली चली है, शॉटगन की बात कही है। शॉटगन उन्होंने ये कहा कि शॉटगन पुलिस नहीं चलाती, तो वो आपके सामने अभिमन्यु कुहाड़ ने जो बात रखी कि एक आर्टिकल छपा जिसमें ये क्लियर किया गया कि एक नामवर शूटर पुलिस को, हरियाणा पुलिस को शॉटगन चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, ये बातें सामने आई हैं। अगर ये बात, दूसरी बात, हमने आपके सामने एक वीडियो रखी है जिसमें क्लियर दिख रहा है कि वो शॉटगन है। तो शॉटगन आपको पता होना है, मेरे से ज्यादा, शॉटगन को जब लोड किया जाता है तो ऐसे करके लोड किया जाता है, उसमें एक, उस वीडियो में एक आदमी इसी तरीके से शॉटगन गन को लोड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब पुलिस ही वहां पे शॉटगन यूज कर रही है। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, आपने देखा होगा इन वीडियोज के माध्यम से कि एक आदमी SLR की फायरिंग कर रहा है, और उन 2 आदमी जो SLR की फायरिंग कर रहे हैं, अगर एक सपोर्ट कर रहा है, उन दोनों के जो कपड़े पहने हुए हैं वो पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं है।